स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। हमारी अगली प्रॉब्लम देखिए रीजनिंग में क्या है। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आकृति देकर ये पूछ लिया जाता है कि बताइए उपरोक्त या निम्नलिखित आकृति में कुल कितनी, निम्नलिखित आरेख में दिए गए आरेख में कुल कितनी त्रिभुजें हैं। तो देखिए त्रिभुज हमें इसमें बतानी है। स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके समक्ष आ जाए तो नीचे चार ऑप्शन दिए गए होते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है। अगर ये लिखा गया हो 20 त्रिभुजें, 22 त्रिभुजें, 26 त्रिभुजें, सबसे बड़ा ऑप्शन अगर 26 है तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले 26 पर नजर डालनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि इसमें हम सबसे बड़ा ऑप्शन जो है उसकी त्रिभुजें निकालें। अगर हम बड़े ऑप्शन की तरफ चलते हैं और अगर बड़े से बड़े तक पहुंच जाते हैं तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही होता है, और अगर हम छोटे ऑप्शन की तरफ पहले दृष्टि डालते हैं और छोटे ऑप्शन को हम कंप्लीट कर जाते हैं तो वहां क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है, क्योंकि आपका आंसर 26 भी हो सकता है। लेकिन अगर बड़े से बड़े ऑप्शन को देख कर आप गिनती गिनना शुरू करते हैं और बड़े ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं तो उससे बड़ा तो होने की बात ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन अगर छोटे ऑप्शन को लेके आप चलते हैं तो आप फंस सकते हैं। तो बड़े ऑप्शन की तरफ नजर देकर हमें ऐसे क्वेश्चन हल करने चाहिए। अब देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले हमें बड़ी बड़ी त्रिभुजें इसमें देखनी चाहिए। स्टूडेंट देखिए, एक दो, फिर ये देखिए तीन, और फिर ये देखिए चार। चार त्रिभुजें, बड़ी बड़ी त्रिभुजें इसमें हैं। फिर उसके बाद उससे कम बड़ी, देखिए चार के बाद एक, पांच, छ, सात और आठ। स्टूडेंट्स देखिए, आठ त्रिभुजें आपके सामने आ चुकी हैं, आठ। उसके बाद देखिए नौ, दस, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। देखिए 16 त्रिभुजें हम इसमें बिल्कुल इजीली निकाल चुके हैं। देखिए फिर मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। एक बड़ी त्रिभुजें, एक, दो, तीन, चार, फिर उसके बाद में देखिए पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। तो स्टूडेंट्स 16 त्रिभुजें इसमें कुल होंगी। इसी प्रकार से कह सकता है कि इसमें आयतों की संख्या क्या है। देखिए रेक्टेंगल की संख्या क्या है, उसमें ट्रायंगल थी, ये रेक्टेंगल की संख्या पूछ सकता है। आयत कितनी है इसमें। तो सबसे पहले तो हमें इसी को देखना चाहिए कि सबसे बड़ी आयत ये हमारे पास है। देखिए सबसे बड़ी आयत न, एक की गिनती हमारी हो चुकी है। फिर उसके बाद में देखिए दो, बड़ी बड़ी को पहले गिनना चाहिए, दो, और ये देखिए तीन। फिर उसके बाद में देखिए चार, पांच, फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट छ, सात, आठ, नौ। फिर काउंटिंग करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा पे ऑप्शन को, बड़े ऑप्शन को देख के चलना चाहिए। अपने आप आगे तो आप जा नहीं पाएंगे अगर ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो आप आगे चले जाएंगे, नहीं होगा तो आप जिस ऑप्शन पे रुकेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक बड़ी आयत, एक, उसके बाद में देखिए दो, तीन, चार, पांच, उसके बाद देखिए छ, सात, आठ और नौ। देखिए स्टूडेंट्स कुल इसमें नौ आयत हमें प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, मैं बहुत क्वेश्चन आपको क्यूब से संबंधित करवा चुका हूं, उनमें मैंने आपको संख्याएं करवाई थी, लेकिन इसमें देखिए कोई भी अंतर नहीं होता, कोई साइन भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें देखिए छह बिंदियां इसमें दिखाई गई हैं, इधर देखिए छह डॉट्स इधर दिखाए गए हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर पहले क्यूब से दूसरे क्यूब में अगर सेम संख्या ऊपर हो तो इट मींस क्यूब को इस तरह से घुमाया गया है, और ये साफ दिखाता है कि छह को घुमाया गया है, इसीलिए अगले में छह है। और यहां पर अगर स्टूडेंट्स आप देखते हैं तो यहां दो और यहां एक दिया गया है, लेकिन अगले में देखते हैं तो दो यहां भी दिया गया है। इट मींस क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये दो जो यहां था इसको घुमाकर इधर किया गया तो एक इसके पीछे चला गया। देखिए एक यहां पीछे चला गया, दो आगे आ गया और तीन यहां आ गया। अब कहता है यदि शीर्ष पर, क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, यदि शीर्ष पर तीन हो तो तल में कौन सी संख्या होगी। बात वही है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि चाहे सामने पूछ ले, चाहे ऊपर तीन हो तो नीचे क्या होगा, चाहे तीन के सामने पूछ ले, चाहे इसके अपोजिट पूछ ले, बात वही होती है। कहता है अगर तीन को ऊपर मान ले तो नीचे तल में कौन सी संख्या होगी, तो बात तो वही है। ये देखिए दो इधर दिखाया गया, एक इधर गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक इधर गया, ये एक इधर चला गया, और एक इधर जाते ही और दो इधर आ गया। ये देखिए दो इधर आ गया,
और दो इधर आते, ये देखे तीन इधर आया, इट मीन्स एक इधर चला गया, तो तीन के विपरीत एक है। और अगर हम तीन को ऊपर शीर्ष पर कर देंगे तो तल में एक आ जाएगा, स्पष्ट है। और एक को अगर शीर्ष पे कर देंगे तो तल में तीन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहां हमारा आंसर एक ऑप्शन जो होगा, एक संख्या जो है वही हमारा आंसर होगा। आगे देखिए इसमें भी स्टूडेंट त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, तो त्रिभुजों में सबसे पहले हम पहली एक त्रिभुज को इसको लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एक त्रिभुज तो हमारे सामने यही है, फिर उसके बाद में एक के बाद हम गिनती शुरू करते हैं बड़ी बड़ी त्रिभुज की। देखिए दो, ये देखिए, फिर उसके बाद में तीन, देखिए तीन, और फिर ये देखिए चार और पांच, देखिए फिर उसके बाद में छह, ये देखिए स्टूडेंट्स छह, और ये देखिए सात, सात, मैं फिर आपको ये सात गिनवाता हूं। सबसे पहले एक, फिर बड़ी बड़ी दो, ये देखिए दो तीन, फिर उसके बाद में देखिए चार और ये पांच, और उसके बाद में ये देखिए स्टूडेंट छह और ये सात, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कुल बारह त्रिभुजें हमें दिखाई देती है। तो हमारा यहां आंसर ऑप्शन में हम देखेंगे बारह, ऑप्शन में हम मैक्सिमम बड़े ऑप्शन को देख के हमें चलना चाहिए, हमारा आंसर इसमें बारह त्रिभुजें कुल इसमें होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहता है कि कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। यहां पर कहता है कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो रेखाएं देखिए एक दो तीन, तीन तो बड़े वाली रेखाएं हमने बाहर वाली यहां गिननी चाहिए, तीन रेखाएं तो यही है। तो देखिए इस साइड इसमें तीनों कोनों पे देखिए ऐसे 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 और ऐसे ऐसे और देखिए ऐसे ऐसे भी रेखाएं बनती हैं, यही इसमें मेन रेखाएं हैं जो हम देखने में कई बार चूक कर जाते हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, देखिए और दस ग्यारह बारह, देखिए बारह सरल रेखाएं कुल इसमें है स्टूडेंट्स। फिर देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, देखिए दस ग्यारह बारह, तो बारह कुल सरल रेखाओं की संख्या इसमें होगी। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी डायग्राम से ही संबंधित है। इसमें आइए और देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है और उसमें दे दिया जाता है कि त्रिभुज बेरोजगारों को और सर्कल जो है वृत्त जो है शिक्षितों को और चतुर्भुज या वर्ग जो है युवाओं को दर्शाता है, और इसका अध्ययन करते हुए आरेख का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट्स हमारा है शिक्षित युवा बेरोजगारों की संख्या ज्ञात करें। देखिए शिक्षित युवा और बेरोजगार यानी एक ऐसे व्यक्ति जिसमें तीनों गुण हैं, युवा भी है शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। कहता है शिक्षित युवा बेरोजगारों की संख्या ज्ञात करें, तो ऐसी संख्या देखिए जो तीनों में दी गई है, तो देखिए क्या है इसमें नौ, नौ ऐसी संख्या है जो सर्कल में भी और त्रिभुज में भी और वर्ग में भी आती है। तो नौ यहां पर ऐसे युवक हैं, युवा हैं जो शिक्षित और बेरोजगार हैं। इसी तरह से अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहता है शिक्षित युवाओं की संख्या ज्ञात करें। स्टूडेंट्स कहीं कभी भी आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आप सबसे पहले ये देखें शिक्षित, तो सबसे पहले तो हम शिक्षित को देखते हैं, शिक्षित क्या है ये देखिए शिक्षित, तो इसका मतलब हमारा उत्तर इन चारों में से आएगा, पांच और आठ इससे बाहर निकल चुके हैं। पहला पॉइंट है शिक्षित युवाओं। अब देखिए शिक्षित भी हो और युवा हो, तो देखिए इसमें युवा हो तो इसका मतलब इन चार में से युवा में हमारे उसमें कौन कौन से आ चुके हैं, 11 और 9 आ चुके हैं। देखिए 11 और 9, 8 भी इसमें, 8 पहले ही बाहर हो चुका था, और देखिए इसमें 7 और 6 भी बाहर हो गया। यानी पहले तो शिक्षित हमने देखा सर्कल में तो चारों आ गए, और फिर युवा भी शामिल जब इसमें किया तो 9 और 11 आ गए। तो कहता है शिक्षित युवाओं की संख्या ज्ञात करें, यानी शिक्षित हो और युवा हो उनकी संख्या ज्ञात करो। तो देखिए यहां पर बेरोजगार की कोई भी बात नहीं है, तो शिक्षित युवा स्टूडेंट्स देखिए 9 और 11 इसमें हमें दोनों जोड़ने पड़ेंगे, यहां बेरोजगार या रोजगार की कोई बात नहीं है। तो शिक्षित युवा यहां पर 20 इसमें शिक्षित युवाओं की संख्या हुई। इसी तरह से स्टूडेंट तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षित युवा रोजगार। अब देखिए शिक्षित पहले तो हम सर्कल में आएंगे, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो इसी में से आएगा। देखिए कहता है शिक्षित युवा, फिर युवा, ये देखिए युवा, इसका मतलब शिक्षित होने चाहिए और युवा होने चाहिए। तो देखिए 9 और 11 वही आ रहा है, पहले तो शिक्षित पूछा तो चारों आ गए, ये 7 6 9 11,
और जब युवा की बात आई तो ये देखिए बाकी तो भाग था ही, 9 और 11 इसमें आ गए। कहता शिक्षित हो, युवा हो और रोजगार प्राप्त हो। अब क्वेश्चन फंस जाता है स्टूडेंट, रोजगार प्राप्त इसका मतलब बेरोजगार नहीं होने चाहिए। ये देखिए बेरोजगार, बेरोजगार नहीं होने चाहिए और 9 तो बेरोजगार में चला गया। देखिए कहता है कि शिक्षित युवा और रोजगार प्राप्त की संख्या ज्ञात करो, तो शिक्षित होने चाहिए, कहता है युवा होने चाहिए यानी सर्कल में होने चाहिए और युवा होने चाहिए, लेकिन कहता है कि रोजगार प्राप्त होने चाहिए। रोजगार कहता है शिक्षित युवा रोजगार प्राप्त प्राप्त युवाओं की संख्या ज्ञात करें, तो यहां देखिए 9 अपने आप ही बाहर रह गए, बाहर निकल गया, तो क्या रहा 11। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा आंसर जो है वो 11 आ जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि ये 8 क्या है। ये देखिए 8 हम कह सकते हैं कि 8 जो है वो युवा है, 8 युवा है, ये 100% है कि 8 युवा हैं और रोजगार प्राप्त हैं। अगर ये रोजगार प्राप्त हम कहें तो इसमें बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 8 जो है वैसे तो 8 युवाओं को दर्शाता है, लेकिन हम 8 को रोजगार प्राप्त इसलिए कहेंगे क्योंकि ये बेरोजगारों में शामिल नहीं है, लेकिन इनको हम व्यक्ति नहीं कह सकते, इनको युवा कहेंगे। ये 8 युवा रोजगार प्राप्त है, या नीचे लिखा ये भी हो सकता है कि 8 किसको दर्शाता है, तो 8 युवाओं को दर्शाता है, या ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि 8 रोजगार प्राप्त युवाओं को दर्शाता है। यहां देखिए 6 जो है 6 युवाओं को तो नहीं दर्शाता, लेकिन 6 व्यक्तियों को दर्शाता है कि जो युवा ना हो लेकिन व्यक्ति हो, लेकिन ये 6 युवा नहीं है, ये रोजगार प्राप्त व्यक्ति है 6 इसमें। और अगर ये पूछ ले कि बेरोजगारों की संख्या क्या है, देखिए स्टूडेंट सिंपल सा मैं आपसे ये क्वेश्चन इसमें कर रहा हूं कि बेरोजगारों की संख्या क्या है, तो ये देखिए बेरोजगार सारे हैं 9, 7, 16 और 5, 21, ये देखिए सभी बेरोजगार हैं, तो इनको सभी को हमें इसमें काउंट करना पड़ेगा। और अगर कह दे कि शिक्षित बेरोजगार कितने हैं, तो देखिए शिक्षित बेरोजगार, तो यहां पर शिक्षित बेरोजगार जो हैं वो देखिए सर्कल जो है वो इसको लेता है, और शिक्षित बेरोजगारों में इस सर्कल के कितने पॉइंट आते हैं, देखिए शिक्षित बेरोजगारों में यहां पर 9 भी आता है और 7 भी आता है, तो इसका मतलब 9 और 7, 16 इसमें शिक्षित बेरोजगार हुए। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों पर, जो इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट्स भ्रमित होने का कारण क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसी बातें दी हुई होती हैं जो हमें अटपटी लगती हैं, और जो नहीं होता वो हम सोचते हैं वो कब हो सकता है, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो होता है। स्टूडेंट्स अगर ये कह दिया जाए कि सभी आम सेब हैं, तो आप आमों को वहां सेब जरूर मानेंगे। अगर आप आमों को सेब मानते हैं तो सेब भी आम हो जाते हैं। यहां पर हमें सत्य मानते हुए इन कथनों का अध्ययन करना चाहिए, हमारे आंसर जो है सही हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स उसमें बहुत ही मुश्किल होते हैं, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट्स, सभी आम सेब है। देखिए स्टूडेंट्स अगर कोई भी चीज हमें सभी बनानी है तो ये बात हम अवश्य याद रखेंगे कि सभी आम सेब है। ये देखिए सभी आम सेब हैं। अगर हम सभी आमों को सेब बनाना चाहते हैं तो कोई भी सभी आम जो है वो सेब, सभी सेब जब हो सकते हैं, कोई भी चीज सभी जब हो सकती है जब दूसरी चीज उससे बड़ी हो। यह बात आपको याद रखनी चाहिए कि अगर मैं कहता हूं कि सभी व्यक्ति पागल हैं, तो ये देखिए सभी व्यक्ति पागल जब होंगे जब पागल उनसे ज्यादा होंगे, उनके बाहर से होंगे, तो ये आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। सभी आम सेब हैं, सभी सेब अनार हैं। अब सभी सेब अनार जब होंगे जब अनार इससे बड़ा होगा, यही इसके पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपको समझने चाहिए। ये अनार देखिए अब यहां पर जो पूछे जाते हैं निष्कर्ष वो क्या होते हैं, वो इसी में से निकलते हैं, आप इस पे अध्ययन कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं एक एक पॉइंट। सभी आम अनार हैं, यहां देखिए सभी आम अनार हैं, यहां सभी आम सेब हैं, सही है, बिल्कुल सही है, सभी आम अनार हैं, यस, सभी आम सेब हैं, यस। देखिए सभी अनार आम नहीं है, सभी सेब आम नहीं है, यहां देखिए कहते हैं कुछ अनार, सभी अनारों में से कुछ अनार आम नहीं है, तो ये अनार आम कहां है, ये देखिए सभी सेबों में से कुछ सेब आम नहीं है, तो ये सेब कहां है, आम नहीं है। सभी सेब आम हैं, सभी आम अनार हैं, सभी आम सेब हैं, और सभी आम, देखिए सभी सेब आम नहीं है, सभी अनार भी आम नहीं है, कुछ अनार आम नहीं है और कुछ सेब आम नहीं है, तो ये भी सत्य है।
तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स निष्कर्ष दिया गया है नीचे एक और दो, तो एक और दो पे हम स्टडी करते हैं। कहता है सभी आम अनार हैं, तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं पहले कि सभी आम अनार हैं, यस बिल्कुल है, इसके अकॉर्डिंग कथन के अकॉर्डिंग बिल्कुल है। कहता है कुछ अनार सेब नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था, कहता है कुछ अनार तो आम है, कहता है कुछ अनार आम नहीं है, कहता है कुछ अनार सेब नहीं है। तो आप देखिए कुछ अनार, सारे अनार कहाँ हैं, ये हैं सारे अनार, तो सारे अनारों में से कुछ अनार तो सेब हैं, लेकिन ये जो बच जाते हैं ये सेब कहाँ हैं, तो इसका मतलब सभी अनारों में से कुछ अनार तो सेब हैं और कुछ अनार सेब नहीं है। तो कुछ अनार जो सेब हैं वो कौन से हैं, ये हैं, लेकिन जो सेब नहीं है वो कौन से हैं, ये। तो कहता है कि कुछ अनार सेब नहीं है, तो कुछ अनार सेब नहीं है, ये वाले नहीं है सेब, तो ये बात भी सत्य है। तो कथन निष्कर्ष एक और दो हमारा इसमें दोनों ही सत्य।